भरतनाट्यम की जानी मानी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। संस्था लेजेंड ऑफ इंडिया ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और कर्नाटिक संगीत को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले कई कलाकारों को भी सम्मानित किया। कला का पर्याय बन चुकी ये शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है यामिनी कृष्णमूर्ति को। नृत्य के क्षेत्र में इनके अपूर्व योगदान के लिए यामिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तो आप इन लोगों को इज्जत देते हैं जिन्हें आप गुरुजन कहते हैं, जिन्हें आप गुरु कहते हैं, तो जब आप उन्हें इज्जत देते हैं तो ये एक फॉर्मेलिटी तो नहीं, कहीं ना कहीं यू कम इन टच विद देम। परंपराओं की धरती पर जब नस्लों के बीज बोए जाते हैं तो कलाकार बनते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने कलाकार पंडित यशवंत बालकृष्ण जोशी, प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खान और कर्नाटक संगीत को नई दिशा देने वाले टीएम त्यागराजन, लालगुड़ी के नाम से प्रसिद्ध लालगुड़ी जी जयराम को लेजेंड ऑफ इंडिया की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लेजेंड्स जिसको हमने चयन किए हैं, वे आर इन अ सेंस कस्टोडियंस ऑफ दैट हेरिटेज। पांचों पांच में से चार जनों को कोई जानता ही नहीं। आज के जो 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 जनरेशन है, दे फॉरगॉटन अबाउट इट, सो देयरफॉर इट इज इंपोर्टेंट टू ब्रिंग देम फॉरवर्ड। सच को देखते हैं कभी देर हो जाता है, लेकिन इस मौके पर फिल्म, संगीत और थिएटर से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। मधु साहनी, जी न्यूज़, दिल्ली।